हेलो ऑल, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निकूज फैमिली ब्लॉग्स में, निकूज चौधरी ब्लॉग्स में। सामने से पतिदेव आ रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वापस चले गए, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। और दिखाती हूँ, मैं अभी गांव में हूँ, ससुराल में हूँ। नज़ारा थोड़ा दिखाती हूँ आपको। ये मैं पीछे की साइड आई हुई हूँ जहाँ पर गाय भैंस बंधती है, और यहाँ पर वो बंधी हुई है। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस तरीके से इन्हें कवर किया गया है, कूलर लगाया गया है। और यहाँ पर ये अंदर वाला एरिया है, यहाँ पर इस तरीके से है। और पति ने अभी अभी बताया कि इसके अंदर बिल्ली है, और हमारे यहाँ पे एक कुत्ता भी है जो कि इधर बैठा हुआ है, कालू राम। तो अभी देखते हैं कहीं उसके बच्चे वगैरह ना हो। यहाँ पर मशीन है, कुट्टी काटने वाली मशीन है जिससे घास काटा जाता है। ये जनरेटर है, और यहाँ पर पौधे, पिछली बार हमने जब हम आए हुए थे, बच्चों ने सबने मिलके क्यारी बनाई थी। अभी इसका जब है उल्टा सीधा हो गया सब कुछ इसमें। जिस दिन मैं ये बना रही थी उसी दिन रात को फिर ये जो है गाय का बछड़ा हुआ है, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब बछड़ा तो ये हो गया था, काफ़ी हेल्दी था, इस वजह से थोड़ा मुश्किल इसमें पड़ी। रात को हुआ था, बट रात से लेके सुबह तक भी इसने जेर नहीं छोड़ी थी। जो लोग, जिन्होंने कभी गाय पाली हो या जिनके यहाँ हो, जो जानते हो कि ये जेर छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसने नहीं छोड़ी थी। तो इसके लिए कुछ घरेलू उपाय कराए गए थे उसके लिए, और ये बना रहे थे मांडी। आगे अजवाइन, चीनी, अजवाइन, जीरा, बस। ओके, अरे सफर दे लगवा दो, घी भी लगा इसमें भी, फिर ये गाय को दे देंगे। हाँ, बछड़ा भूखा रहेगा क्या? बछड़ा माँ का दूध भी होगा, फिर किसका भी होगा। यहाँ गाय की सेवा चल रही है, इसको पत्ते खिलाए जा रहे हैं, और ये घूर घूर के देख रहे हैं। आम के पत्ते खिलाए जा रहे हैं, क्यों खिलाए जा रहे हैं? ताकि वो जेल छोड़ दे। ओह, यहाँ पर पूरे दिन हमने काफ़ी कोशिश की, डॉक्टर भी आए और उसने इंजेक्शन वगैरह लगाया। 24 घंटे से ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, तो उसने इंजेक्शन वगैरह, इन्फेक्शन का भी सब लगवाया। बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो इसको कहीं आम के पत्ते खिलाए जा रहे थे, मांडी बना के पिलाई जा रही थी, और काफ़ी ज़्यादा उपचार के पर कुछ नहीं हुआ। बट फिर ये देखो, मैं शाम को इसके पास में घूमने के लिए आई थी, तब ये दोनों इस तरीके से परेशान थी और सबको देखती और बोल रही थी, क्योंकि साथ में रहते थे सब, तो ये परेशान काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद में शाम को जो है डॉक्टर जब आए, तो उन्होंने वो निकालनी ही पड़ी डॉक्टर को, और उसके बाद ही बिल्कुल ठीक है। अब दोनों बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। अब बनाएंगे हम छोले। यहाँ डाल रही हूँ मैं खाने का सोडा इसमें, जब ये भिगोए थे तो थोड़े से डाल दिया था, अब बाकी थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें, जिससे कि ये जल्दी गले। अब मैं इसमें करूंगी जो मैंने चाय की पत्ती और ये उबाली थी अभी, इसको मैं इसमें कर लूँगी। प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी एक हाथ से करने में, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है। अरे इसमें कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है कि इससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है, ब्लैक ब्लैक कलर आता है, और टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। आप चाहें तो इसकी पोटली बनाकर भी डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं, मेरी मम्मी वही करती है। अगर आपको ये सब नहीं डालना, तो जो अनार होते हैं उसके छिलके सुखा के आपको रख लेने हैं और वो इसके अंदर डालने हैं। ये मैंने डाल दिया, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक को पता ही नहीं कब से गैस चल रही थी। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें छोंक में भी नमक डालना है, तो मैंने इसको इतना डाल दिया। इसके साथ मैंने डाला है इसमें एक चम्मच घी। अब घी किस लिए डाला है, जिससे कि ये, कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, बाहर निकलता है, इससे डालने से वो नहीं निकलेगा। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको गाढ़ा करने के लिए ना इसके अंदर आलू डाल देते हैं, तो मैं इसके अंदर दो आलू उबलने के लिए भी डाल दूंगी। ये दो कच्चे आलू मैं इसमें छील के उबलने के लिए डाल दिए हैं, तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी।
छोले मेरे उबल के तैयार हो चुके थे। यहाँ पर मैं छोंक तैयार कर रही थी, तो इसमें है तेल डाला था मैंने सरसों का तेल, जीरा डाल के, और ये है जो प्याज है, प्याज मैंने डाली थी। लहसुन मैं नहीं डाल पाती क्योंकि लहसुन से ना मुझे इन्फेक्शन हो जाता है मेरी उंगलियों में, तो मैं नहीं काट पाती उसे। मैंने यहाँ पर डाल दी थी प्याज, ग्राइंडर ख़राब हो रहा था तो इस वाले ग्राइंडर से करना पड़ा था। तो वैसे अगर मिक्सी में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा जो है टेस्ट आता है, और अगर आपको गाढ़ी वैसे नहीं करनी ना आलू से, तो आप जितना ज़्यादा इसमें ग्रेवी डालेंगे वो खुद गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस प्याज को अच्छे से धीमी आँच पे, जितनी धीमी आँच पे आप इसको करेंगे इतने ही अच्छा इसका छोंक तैयार होगा। यहाँ पर मैंने ये रख दिया था और इसमें सारी प्याज डालने के बाद में मैंने इसको इस तरीके से घुमाया, और एक तरफ मैंने यहाँ पर टमाटर जो हैं वो काट लिए थे, और टमाटर काटने के बाद बार बार मैं आकर इसको हिला रही थी जिससे कि ये जले ना। और यहाँ पर थोड़ा इसमें लालपन सा आया लेकिन कच्चे ये अभी भी हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको छोले, ये छोले का कलर कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं कलर इनका चेंज हो गया है, और जो हमारे आलू हैं वो भी उबल चुके हैं अच्छे से। और मैंने यहाँ पर टेस्ट कर लिया था, ये बिल्कुल ही गल गए थे अपना आराम से, और यहाँ पर मेरी जो प्याज है वो भी लाल हो चुकी थी। इसके बाद डाल दिए मैंने टमाटर, टमाटर जो आप है अपनी क्वांटिटी आप खुद सेक सकते हैं, मैं सिर्फ आपको पिंडी छोले बनाने का जो रेसिपी वो दिखा रही हूँ। कोई ग्रेवी ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, और कोई सूखी ही पसंद करता है, तो उसके हिसाब से आपको ये बना लेने हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है इसके अंदर, और अब मैंने दोनों ही चीज़ पकने के लिए छोड़ दी थी। जब तक इसमें तेल जो है अलग ना हो जाए इससे, आप इसको इस तरीके से ही पकने के लिए छोड़ दें। अब मैं बता दूँ आपको, जो दीदी है छोटे वाली, क्योंकि ये मेहमान आने वाले थे घर पे, दीदी और आने वाले, तो जो छोटे वाली दीदी हैं वो प्याज का नहीं खा सकती, उनकी प्याज बंद है, तो उनके लिए अलग जो है मैंने छोंक तैयार किया था इसके अंदर। और यहाँ पर मैं टमाटर का छोंक तैयार किया था, टमाटर मैंने अलग से काट लिए थे उनके लिए, और जो टमाटर है वो मैंने इसमें डाल दिए। बस प्याज नहीं डाली, बाकी सब चीज़ें डलती है, प्याज और लहसुन का उनको फ्रेज है तो उनकी जो है सब्ज़ी अलग ही छोंकनी पड़ती है। यहाँ पर एक साइड उनकी छोंक दी थी और दूसरी साइड मैंने सबके लिए छोंक दी थी। तो ये थोड़ा थोड़ा तैयार हो गया, ये वाला तो टमाटर जल्दी ही पक गए थे क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था टमाटर के बाद, तो जल्दी ही ये हो गए थे, ये वाला बहुत जल्दी तैयार हो गया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरे वाले की हालत क्या है। यहाँ पर मैंने इसकी गैम स्लिम कर दी, दूसरे वाले की हालत ये है कि इसमें भी इसने तेल छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर और पकाऊंगी मैं इसको जब अच्छे से तेल इसका अलग हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने जो आलू हैं वो मैश कर लिए थे, आलू सबसे पहले इसके अंदर मिलाए हैं जो मैश किए थे, और थोड़ा सा पानी उसके साथ में, जिससे कि आलू इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो ग्रेवी है वो गाढ़ी सी हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया था। ये ना आलू डालने का तरीका मैंने ससुराल में ही सीखा था, मेरी मम्मी जो है वो ग्रेवी ही इतनी ज़्यादा बनाती थी कि जो आलू है वो जो छोले हैं वो गाढ़े से ही लगते थे, सब गाढ़े गाढ़े से पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, अब मैंने इसके अंदर जो है छोले मिला दिए हैं, और ये इस तरीके से हमारे छोले तैयार हो गए। आप पानी जो है कम भी डाल सकते हैं इसमें, और ये थोड़ा रखा हुआ पानी सोख लेता है। तो ये क्या है, ये इंटर छेड़ा देखो, हमारे घर में लड़की ये काम करती है, लड़के ये काम करते है। अब ये फट जाएगा ना, चलो गाइस हम आपको अब जा दिखाते हैं जो इस मतलब जो YouTube बनाती है ना, जो उसकी मेम साहब है, उनके हस्बैंड बना रहे हैं यहाँ पर खीस। देखिए कितना गंदा लग रहा है वैसे तो ये, पर खाने में क्या पता टेस्टी हो, क्योंकि ये पीने में वही देखिए ये गाय के दूध का खीस है, बहुत टेस्टी होगा पक्का। छेड़ा बोलते हैं इसको देसी भाषा में। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नताशा पूनिया, नताशा गौरव पुनिया, देखना, देखिए गाइस प्लीज लुक